खबर। नागपुर में मंजूर हुए 56,000 करोड़ के विकास कार्य। उत्तर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 4 वर्ष में नागपुर में करीब 56,000 करोड़ के विकास कार्य मंजूर हुए हैं। कई नामी संस्थाओं ने नागपुर में काम आरंभ किया है। अनेक प्रकल्प पूरे हुए हैं। सड़क पुल के लिए 6,448 करोड़ के कार्य मंजूर किए गए हैं। 0 माइल से भिलगांव नाका कामठी रोड, वाड़ी MIDC जंक्शन उड़ान पुल, खापरी उड़ान पुल, लिबर्टी सिनेमा से पागलखाना उड़ान पुल, रेडिसन होटल से मनीष नगर, प्राइड होटल 0 माइल से खापरी ROB तक सीमेंट रोड, नागपुर आउटरिंग रोड सीमेंट रिंग रोड, इंदौरा चौक से अशोक चौक उड़ान पुल, मानकापुर रेलवे अंडर पास, पीली नदी पर दक्षिण भाग में पुल निर्माण, शहर व जिले में केंद्रीय मार्ग निधि से सड़क निर्माण के कार्य किए जाएंगे। शहर से नई रेल लाइन के लिए 6,317 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दाल मिल व गारमेंट क्लस्टर के लिए 32 करोड़, मलिन पानी पुनः इस्तेमाल प्रकल्प व बायोगैस निर्माण प्रकल्प के लिए 228 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 36 स्थानों पर मेट्रो स्टेशन की जगह निश्चित की है। दिसंबर 2018 तक पहले चरण में मेट्रो रेल दौड़ेगी। ये संस्थाएं आई शहर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की स्थापना की गई। जिले के वारंगा में IIIT की स्थापना की गई। एम्स अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई। नाइपर को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ की स्थापना की गई। वाठोड़ा में 100 एकड़ जमीन पर भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण का विभागीय केंद्र स्थापित किया गया। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।